न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। मनोहर 2.0 का पहला बजट आने ही वाला है, लेकिन इससे पहले आज से 3 दिन तक प्री बजट सेशन चलेगा। बजट सत्र से पहले बजट और सदन के कामकाज पर विधायकों की मंत्रियों के साथ चर्चा होगी। इसी बीच इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्री बजट की चर्चा पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए ये रिपोर्ट। और अब की बार आखिर मैं देखने आया था सिर्फ इस प्री बजट का क्या महत्व है। बड़ी हैरानी की बात है, हमारा प्रदेश प्रधानमंत्री विधायक को 2 मिनट से ज्यादा बोलने का समय, 5 मिनट का समय तय किया था। कोई अगर अपनी बात शुरू करता है उससे और मुख्यमंत्री दूसरे का नाम तो फिर चर्चा कैसे होती है। नंबर दो, प्री बजट का मतलब है आप 2 महीने डिस्कशन कराओ और उनसे सुझाव मांगो, उस पर चर्चा करो, अपने अधिकारियों को बताओ, समझाओ कि इसमें कैसे इनके सुझावों को सिरे चढ़ाया जा सके। लेकिन ये केवल फॉर्मेलिटी है, ये केवल अखबारों तक सुर्खियों में रहने की बात है। मैंने किसी के ऊपर मुख्यमंत्री को 4-5 सुझाव देने थे। मैंने बताना था कि कैसे किसान जो है आज अगर अपनी फसल जैसे बारी बारी से कहा तो ये जाता है कि भाई अकेली धान की फसल नहीं, उसकी जगह कोई दूसरी फसल हो, उसको पैटर्न को चेंज किया जाए। मैंने कहा कि इसको अगर आप बदलना चाहते हो तो फिर आप हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दो, और हॉर्टिकल्चर में खास तौर पे बाग जगह उसको बढ़ावा मिले। पुराने वक्त के अंदर जब कोई भी किसान बाग लगाता था तो उसको बाग का पानी जो है अलग से सैंक्शन होता था, उस पर उसको बाकी को अगर किसान को खेती करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट अगर 1 एकड़ के मिलते थे तो उसमें 7 से 10 मिनट मिलते। मैंने कहा कि अगर आपने चेंज करना है तो फिर उस पुरानी परंपरा को आपको फिर शुरू करना चाहिए। नंबर दो, मैंने कहा कि एक तरफ तो फसलों को बदलने की बात की जाती है, दूसरी तरफ हमने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना रखी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मतलब ये है किसान की फसल की पैदावार कैसे बढ़े, उसके साथ साथ रोग मुक्त फसलों का बीज कैसे तैयार हो, उसके साथ ये भी है कि कम सिंचाई से किसान की पैदावार बढ़े। इन सब चीजों पे साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, लेकिन उन चीजों पे चर्चाएं नहीं करने दी, उन पे बात ही नहीं करने दी। यहां तो केवल 5 मिनट फिक्स कर दी गई। अगर ये चाहते तो कम से कम ये एक ऐसा इश्यू है कृषि का हमारा, इसके ऊपर एक पूरा दिन फिक्स करके रखना चाहिए था, जिसपे कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए थी, जिसके अच्छे सुझाव थे उनको मान लेना चाहिए था। अगर कोई चीज लगती है कि अनगलन कही जा रही है तो फिर उसको बीच में कहा भी जा सकता है कि भी आप जिस इशू के लिए आज बुलाए गए उससे बाहर जाए। यहां पहले 3 दिन ट्रेनिंग के नाम पे खराब कराए गए, 3 दिन ट्रेनिंग करवाई गई, उस ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें विधायकों को सिखाने की जिम्मेवारी केंद्र के लोगों की लगाई गई, लेकिन आज उसका खुद उल्लंघन करते हैं। उसमें बताया जाता है कि विधायक को क्या क्या अधिकार है, उसके क्या क्या बात कह सकते हैं, आज उसकी बात सुनने की बजाय डंडे फेर चलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा, मैं कहीं ये विधानसभा का सेशन है क्या जो आप कह रहे हो कि आपकी 5 मिनट फिक्स है, आप हमारे से सुझाव भी मांग रहे हो और समय सीमा भी तय कर रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आप तो अखबार की सुर्खियों में आना चाहते हैं, आप तो लोगों में ये कहना चाहोगे कल को जाकर के कि हमने सारे विधायकों से बकायदा बजट से पूर्व सबसे सुझाव मांगे थे और सब हमारी बात से सहमत, हमारा बजट सबसे बढ़िया। ये तो केवल एक आकर के फॉर्मेलिटी पूरी करनी है 2-3 दिन की, इन्होंने एक डिपार्टमेंट के ऊपर अगर 90 विधायकों को बोलने का समय आप दे रहे हो तो फिर मान करके चलो पूरा दिन चाहिए नहीं चाहिए। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर केवल एक ही डिपार्टमेंट है, 6 डिपार्टमेंट है जिन पर चर्चा होनी चाहिए। परी बजट का मतलब है हर डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा हो,
कि कैसे किस किस डिपार्टमेंट में। मैं तो पूछना चाहता था मुख्यमंत्री से कि बजट की किताब तो आपने तैयार कर, हमारे से किस चीज के मोर लगवा रहे हैं। अगर आपने बजट की किताब तैयार कर ली, अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हो तो आप हमें ये भी बता दो कि इसके ऊपर आपने कितना पैसा जो है अब की बार इसका रखा है कि कितना पैसा आप कृषि पर खर्च करोगे। मैं कहता हूं कि जब बजट आएगा तब आप देखना। मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 वर्षों की तुलना में अब की बार कोई ज्यादा पैसा बढ़ाया गया हो, मुझे लगता है पैसा कम मिलेगा। इसलिए पूर्व में इन सब चीजों को मोर लगवाने की कोशिश है। पैसा तो है नहीं सरकार के पास, पैसा तो पेंशन देने के लिए भी नहीं है, तनख्वाह देने के लिए नहीं है, तो फिर इस तरह की चीजों पर फजूल खर्ची क्यों करें। कहने लगे कि हमें लिखित में सुझाव भेजें, तो फिर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके भेज देनी चाहिए थी सभी विधायकों कि आप हमें अपनी तरफ से जो है बजट से पहले अपने अपने सुझाव लिख करके भेजो। लिख करके भेजें, हमारे सुझाव मानते नहीं मानते ये सरकार का काम है। आज भी जो सुझाव दिए जा रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी एक बात पर भी सरकार अपनी तरफ से ध्यान दे रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। कोई प्रोसीडिंग तैयार हो रही है, इसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। जब कोई सेशन है तो उसकी प्रोसीडिंग हो, इसीलिए इसको विधानसभा में नहीं रखा ना कि कल इसकी प्रोसीडिंग ना बने कि किसने क्या कहा। यहाँ तो चर्चा है केवल ये कि आप अपना सुझाव दे दो, हमें पसंद है या नहीं पसंद है ये हमने देखना है। आप तो सुझाव दो, 5 मिनट खड़े हो बोलो और उसके बाद जाओ। मुख्यमंत्री सभी तो नाम अनाउंस कर रहे हैं, फलाना विधायक बोले फलाना विधायक बोले, जैसे स्पीकर कहते हैं कि अब फला बोलेगा फला बोलेगा। क्या 3 दिन तक प्री बजट का सेशन चलना चाहिए? कैसा होना चाहिए बजट और प्री बजट की बैठकें जो लगातार हो रही हैं? क्या उसका फायदा बजट में देखने को मिलेगा? क्या है आपकी राय साझा करें हमारे साथ सिटी बी न्यूज पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।